नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली और एग्जाम्स 8 एंड 9 सितंबर 2022 कल ओणम था तो मैंने वनलाइनेस वीडियो नहीं बनाया था तो आज आपको दोनों डेट्स का इंपॉर्टेंट वन लाइनेस मिल जाएगा वैसे कल मैंने एक विशिंग वीडियो भी डाला था दोस्तों बच्चों के साथ आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़ा थैंक यू ऑल फॉर योर वार्म विशेस तो आज का पहला वन लाइनर थ्री इंडियन सिटीज ज्वाइन यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज देखिए रिसेंटली यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ ज्वाइन किया है इंडिया से तीन सिटीज़ दो सिटीज़ केरला से है एक सिटी तेलंगाना से है केरला से है त्रिशूर एंड नीलम्बूर तेलंगाना से है वारंगल वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं इस तरह कोई भी सिटीज़ का नाम वगैरह आता है ना न्यूज़ में तो आप ये सोचोगे ये तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है पर ऐसा नहीं है दोस्तों देखिए जब भी इस तरह के सिटीज़ आते हैं इसका जो लोकेशन है जोग्राफिकल लोकेशन है वो एक बार चेक कीजिएगा ठीक है गूगल में सर्च कीजिएगा मैप नॉलेज आपको होना चाहिए क्योंकि जब भी मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ना यूपीएससी तो हमेशा इस तरह वर्ण लाइनेस में जो इंपॉर्टेंट रहता है जैसे कि कोई यूनेस्को का लिस्ट में आ गया या फिर कोई और अवार्ड मिल गया ठीक है तो उसी से रिलेटेड जोग्रेफिकल क्वेश्चन आता है ये मैंने नोटिस किया है तो ध्यान दीजिएगा एक बार त्रिशूर नीलंबूर इन केरला का और वारंगल इन तेलंगाना का लोकेशन चेक कीजिएगा नाउ वारंगल को वैसे सेकंड यूनेस्को रिकोगशन मिल रहा है दोस्तों आपको शायद याद होगा लास्ट ईयर रामप्पा अप्प्पा टेम्पल इन मुलगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया था वैसे नीलमपुर केरला में एक्ोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन है दोस्तों टीक फॉरेस्ट के लिए फेमस है ठीक है गवर्नमेंट ऑन टीक फॉरेस्ट है नीलमपुर में ध्यान दीजिएगा एंड नीलमपुर के मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंड अलेड इंडस्ट्रीज में डिपेंडेंट है त्रिशूर जो है

हेरिटेज के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों वारंगल एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है थर्टी टू लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हर साल वारंगल विजिट करते हैं वारंगल की जो इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेंडेस के ऊपर डिपेंडेंट है नाउ यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के बारे में टू में लॉन्च हुआ था दोस्तों यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ इट इज़ एन इंटरनेशनल पॉलिसी बेस्ड नेटवर्क इट एम्स टू एन्श्योर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल लेर्निंग सिटीज़ बाई शेयरिंग आइडियाज एंड आर्ट्स विथ अदर सिटीज़ तो बेसिकली देखिए जितने सिटीज़ है हम कुछ सीख सकते हैं जो लेनिंग सिटीज़ हैं उसी को इस लिस्ट में इंक्लूड करते हैं अभी के हिसाब से टोटल टू हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर सिटीज़ फ्रॉम सेवेंटी सिक्स कंट्रीज यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेनिंग सिटीज़ में है दोस्तों वैसे ये जो नेटवर्क है ये यूनाइटेड नेशंस का सेवनटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट को सपोर्ट करते हैं पर देखिए प्राइमरली ये फोकस करते हैं दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वन इज एस डी जी नंबर फोर दैट इज इन्श्योरिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल तो बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं एस डी जी फोर जो है फिर एस डी जी इलेवन देखिए मेकिंग ह्यूमन हैबिटेट सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड सेफ तो पर्टिकुलरली ये जो दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करता है

काम यह होगा दे विल सजेस्ट ए फेयर प्राइस टू एन कंज्यूमर तो कंज्यूमर को कुकिंग गैस फेयर प्राइस में मिल जाए इसके लिए सजेशन देंगे ठीक है नाउ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में ऑन एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है दोस्तों ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखिए इंडिया में जितने पी एस यूज है उसे एनुअल टर्न ओवर के बेसिस पर प्रॉफिट के बेसिस पर परफॉर्मेंस के बेसिस पर

कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी कौन सा है अगला है मिस्टीरियस डेथ्स इन अर्जेंटीना लिंक्ड टू लिजिनेस डिसीज अर्जेंटीना में सिटी ऑफ सैन मिगुएल डे टूकुमान में चार लोगों का डेथ हुआ है दोस्तों बिकॉज ऑफ लिजिनेस डिसीज लिजिनेस डिसीज एक्चुअली पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था नाइनटीन में इट इज कॉस्ड बाई कंटेमिनेटेड वाटर और अनक्लीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स बेसिकली ये न्यूमोनिया लेक है दोस्तों हाई फीवर होता है बॉडी एक होता है ब्रीथिंग में ट्रबल होता है और डब्ल्यू के हिसाब से ये कंटेजियस डिसीज नहीं है बेसिकली इस डिसीज का ट्रांसमिशन नहीं होता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा अगला है वर्ल्ड लिटरेसी डे 2022 हर साल सितंबर 8 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट होता है टू रेस अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर लिटरेसी प्रॉब्लम्स दैट एक्सिस्ट इन अवर लोकल कम्युनिटीज एज वेल एज ग्लोबली ठीक है वैसे देखा जाएगा तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे फाउंड हुआ था बाई प्रोकलमेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को इन सिक्सटी टू रिमेन द पब्लिक द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी एज ए मैटर ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स तो लिटरेसी का इंपॉर्टेंस के बारे में पब्लिक को रिमेन करने के लिए यूनेस्को 1966 में अडोप्ट किया था इंटरनेशनल लिटरेसी डे इस साल का थीम क्या है दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस वैसे यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वन ऑफ द गोल है दोस्तों लिटरेसी यूनाइटेड नेशन लिटरेसी को आज से बेसिक ह्यूमन राइट भी कंसिडर किया है वैसे लिटरेसी का डेफिनेशन क्या है ये पर्सन एबिलिटी टू रीड और राइट एंड एबिलिटी डेट कनेक्ट एंड एम्पोवर्स them to communicate and interact with the world. तो बेसिकली एक पर्सन की जो एबिलिटी है लिखने का और पढ़ने का दूसरों के साथ कनेक्ट करने का दूसरों के साथ कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट करने का इसे लिटरेसी

इनमेट्स आर गेटिंग क्वालिटी फूड आइटम्स प्रिपेयर इन जेल तो बेसिकली जेल में जो इनमेट है क्वालिटी फूड आइटम्स मिल रहा है खाने के लिए इसका एक रिक्शन right है दोस्तों वैसे आपने ईट राइट मूवमेंट के बारे में सुना होगा अलग अलग वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया है FSSAE का एक इनिशिएटिव है देश का फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन ऑर्डर टू एंश्योर सेफ हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड फॉर ऑल इंडियंस वैसे ईट राइट मूवमेंट का टैगलेन क्या है सही भोजन बेहतर जीवन वैसे जो ईट राइट मूवमेंट है ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू थाउजेंड सेवेंटीन के साथ स्वच्छ भारत, भारत, भारत मिशन एक्सेट्रा ना एफ एस एस ए के बारे में ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट टू ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करते हैं इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना प्रमोट करना थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूडएसएस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों अगला है इंडिया एंड यूके कंडेक्स काउंटर रनसमेयर एक्सरसाइज फॉर ट्वेंटी सिक्स नेशन साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी दैट इज एन एस एंड यूके गवर्नमेंट इन कोलाबरेशन विध ब्रिटिश एरोज इसमें सिस्टम के लिए जो एक्सेस है उसे ब्लॉक करते हैं जब तक तो पैसे पे नहीं करोगे पर्टिकुलर ग्रुप को तो आप कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पाओगे तो इस तरह का जो थ्रेट्स है दोस्तों इसे बोलते हैं वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को प्रिवेंट एंड मिटिगेट करने के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी एस्टैब्लिश किया दोस्तों ध्यान दीजिएगा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एनसीआई नाउ मैंने आपको बोला इंडिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरियट के बारे में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोस्तों, मतलब दोस्तों। चाहे वो पॉलिटिकल हो इकोनॉमिक हो एनर्जी हो सिक्योरिटी हो इसको ओवरसी करने का काम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का वैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेजेंट कौन करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ठीक है एंड ही इज ऑल्सो द प्राइमरी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऐसे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का राइट हैंड आप बोल सकते हैं अजित डोवल साहब को nsc tier structure देखिए पॉलिसी ग्रुप spg दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एनएसए बी तीसरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल secretariat ठीक है तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अगला है देखिए किया गया उंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग टोटल एटी सिक्स थाउजेंड स्टूडेंट को सर्वे किया गया इन टेन थाउजेंड स्कूल नाउ इस सर्वे से पता चला दोस्तों थर्टी सेवन परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास थ्री तो मतलब क्या होता है एकदम जो बेसिक नॉलेज है तो सर्वे से यह पता चला क्लास थ्री में थर्टी सेवन परसेंट स्टूडेंट्स का लिमिटेड है बेसिकली बेसिक एडिशन सबस्ट्रक्शन वगैरह का जो नॉलेज है वो लिमिटेड है एंड लेवन पर्सन लैक द मोस्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स इलेवन पर्सन को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम है क्लास थ्री तक पहुंच गए तभी नाउ सी में तमिलनाडु एट ट्वेंटी परसेंट हार द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड नॉट कंप्लीट द मोस्ट बेसिक ग्रेड लेवल टास्क तो देखिए इस सर्वे के टाइम पर या फिर स्टडी के टाइम पर बच्चों को कुछ बेसिक ग्रेड लेवल टास्क दिए गए तो इसमें सबसे कम परफॉर्मेंस था दोस्तों तमिलनाडु का ट्वेंटी नाइन परसेंट लोगों को बेसिक ग्रेड लेवल नॉलेज भी नहीं था फिर देखिए जम्मू एंड कश्मीर ट्वेंटी एट परसेंट आसाम छत्तीसगढ़ एंड गुजरात एटीन परसेंट तो इन सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जो परफॉर्मेंस है बच्चों का वो काफी नीचे रहा है द फाइंडिंग्स विल सेट द बेसलाइन फॉर निपुण भारत अब ये निपुण भारत क्या है दोस्तों नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी ये बेसिकली फाउंडेशन लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए सेंटर का एक स्कीम है ठीक है तो ये जो स्टडी हुआ है ये निपुण भारत के लिए एक बेसलाइन सेट करके देगा बेसिकली सबसे पहले एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना कि क्या है हमारा प्रेजेंट सिचुएशन इसके बाद उसको करने के लिए कुछ करना होगा ठीक है तो अभी जो स्टडी हुआ है इसमें से अभी तो निपुण बन जाएगा ये जो स्टडी रिपोर्ट है अगला है मंगोलियन प्रेसिडेंट गिवस टू डिफेंस तो मिनिस्टर राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह इंडिया का पहला डिफेंस मिनिस्टर है जो मंगोलिया विकसित किया है उन्हें मंगोलियन प्रेसिडेंट उखनागिन खुरुलसुक एक हॉर्स गिफ्ट किया है और ये हॉर्स का नाम है तेजस वैसे 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी ये ब्राउन रेस हॉर्स आज गिफ्ट मिला था द तो देन मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर चिम्ड साइथन बिलेक से ठीक है और उस हॉर्स का नाम है कांतका ठीक है मंगोलिया इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ द हॉर्स अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के हिसाब से मंगोलिया को लैंड ऑफ द हॉर्स भी बोलते हैं दोस्तों मंगोलिया में करीब थ्री मिलियन हॉर्सेस है जितने ह्यूमन पॉपुलेशन है ना उसके सेम उधर हॉर्स पॉपुलेशन भी है एंड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में भी मंगोलिया में हॉर्स बेस्ड कल्चर है दोस्तों अपने पार्सनल ट्रेडिशंस को मंगोलिया अभी भी रिटेन किया हुआ है ठीक है सो so, मंगोलिया का मैप भी देख लीजिए दोस्तों मंगोलिया दो कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं नॉर्थ एंड साइड में रशिया साउथ एंड साइड में चाइना लैंड लॉक्ड कंट्री है अगला है श्री पीयूष गोयल लॉन्चेस यूएस स्टार्टअप सेतु कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेतु तो। सेतु तो का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्राइज इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग तो ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों इंडियन स्टार्टअप्स को यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करेंगे देखिए दोस्तों क्या है ना अगर कोई यूएस बेस्ड इन्वेस्टर इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक जोग्राफिकल बैरियर रहता है उन्हें ज्यादा पता नहीं रहता है इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के बारे में या फिर इथर के जो एटमोस्फेयर है उसके बारे में तो ये जो इनिशिएटिव है ये उनको मेंडरशिप प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे वेरियस एरियाज में लाइक फंडिंग कैसे होना चाहिए मार्केट एक्सेस के बारे में के बारे में नाउ द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स विल बी सपोर्टेड थ्रू पोर्टल नाउ इसके लिए एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन भी है दोस्तों एक पोर्टल या फिर एक वेबसाइट ये वेबसाइट डेवलप किया है अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव मार्क मार्क का फुल फॉर्म क्या है मेंटरशिप तो ट है। है, किया था भूबन हजारेगा के बारे में आपको पता होगा दोस्तों इंडियन सिंगर थे कंपोजर थे फिल्म मेकर थे जिन्होंने म्यूजिक क्रिएट किया है हंड्रेड ऑफ फिल्म के लिए 8 सितंबर 1926 में इनका जन्म हुआ था इन सदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आजाम 2019 में भूबे हजारिका को इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी कन्फर किया गया फ्रॉम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी वैसे हजारिका मोस्ट पॉपुलर है वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कल्चर एंड फोल्क म्यूजिक ऑफ आसम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हिंदी सिनेमा तो बेसिकली आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो कल्चर है फोक म्यूजिक है उसे हिंदी सिनेमा में इंट्रोड्यूस करने में भूबन हजारिका का रोल रहा है दोस्तों इन्हें पॉपुलरली सुधा कांदा भी बोलते थे मीनिंग द नाइट नाइटरिंगल और इन्हें काफ़ी सारे अकलेट्स एंड अवार्ड्स मिला है दोस्तों लाइक नेशनल फिल्म अवार्ड पद्मश्री दादा साहेब फाल्के अवार्ड पद्म विभूषण एंड मेनी अदर प्रस्टिजियस ऑनर्स भी अगला है क्वीन एलिजथ डिमाइस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 6 फरवरी 1952 का डेथ हुआ है दोस्तों 8 सितंबर 2022 को इनका पूरा नाम थी एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था एंड डेथ हुआ 8 सितंबर 2022 को इन्होंने 70 इयर्स एंड 214 डेज रेन किया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में एंड शी वॉज द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी ब्रिटिश मोनार्क

क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम को अपना मोनार्कियल हेड मानते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया कैनेडा हो गया ठीक है अलग अलग कंट्रीज तो है तो क्वीन एलिजाबेथ का एल्डेस्ट सन प्रिंस चार्ल्स किंग ऑफ इंग्लैंड बनाए दोस्तों इमीडिएटली फाइनल न्यूज इंडिया रैंक्स 132 इन यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अमिडे ग्लोबल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टू थाउजेंड का रिपोर्ट रिलीज हुआ है इंडिया का रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज वैसे देखा जाएगा तो इंडिया का जो स्कोर है उसमें काफी डिक्लेन हुआ है केवल इंडिया का नहीं 90 परसेंट ऑफ कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर जो है वो नीचे गया है कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से नौ no. इंडेक्स इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टू थाउंडी वन ट्वेंटी टू रीज बाई दूनाइट नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो देखिए दोस्तों हर साल डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करते हैं उसी का पार्ट है सो द एच डी आई मेशर्स एवरेज अचीवमेंट ऑफ ए कंट्री इन थ्री बेसिक डिमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थ्री बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है वन इज लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ सेकेंड इज एजुकेशन थर्ड इज डीसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है दोस्तों क्या क्या इंडिकेटर्स है वन इज लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी एट एट बर्थ बर्थ मतलब क्या होता है जन्म लेने के बाद एक बच्चा कितने साल तक जी सकता है ठीक है आज के हिसाब से इंडिया का करीब सेवेंटी है वो ठीक है एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है एंड ग्रोस नेशनल इनकम कितना है पर कैपिटा तो ये सारे इंडिकेटर्स देखा जाता है दोस्तों इसके बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है प्रिपेयर करता है इंडियन नेबर्स का रैंक देखिए दोस्तों श्रीलंका का बेहतर है सेवेंटी थर्ड है चाइना का सेवेंटी नाइन्थ बांग्लादेश वन ट्वेंटी नाइन भूटान वन ट्वेंटी सेवन देखिए ये सारे कंट्रीज जो है दोस्तों इंडिया के ऊपर है वाइल पाकिस्तान वन सिक्सटी वन नेपाल वन फोर्टी थ्री एंड म्यांमार वन फोर्टी नाइन इंडिया के नीचे वैसे लास्ट ईयर इंडिया का रैंक वन था इस बार एक पोजिशन नीचे गया है टॉप टेन कंट्रीज कौन कौन सा है स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड हांगकॉन्ग ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क स्वीडन आयरलैंड जर्मनी एंड नथरलैंड तो दोस्तों दैट्स इट आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा लेक्चर की पीडीएफ एज सोशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है